एक बार फिर अहल सुन्नत की सदाकत वाजी हुई है कि आहल सुन्नत का मज़हब अदब ही अदब है और अहतराम ही हित्राम सुन्नत को किसी भी मुकदस हस्ती के लिहाज से तोहन का तहफ़ दरकार नहीं बल्कि उसकी तज़ीम का तहफ़ दरकार है आह सुन्नत ये नहीं कहते कि फ़लाँ के गुस्ताख की सज़ा ज़्यादा क्यों हो गई है जो फ़लाँ की कम क्यों हो गई है चूँकि हम तो सब का अदब चाहते हैं तो इस बुनियाद पर हमारे दिल की आवाज़ है कि आहल बत अतःार री अल्लाह तुम की तोह का दरवाज़ा भी बिल्कुल रुकना चाहिए बंद होना चाहिए फ़र्ज़ है कि उनका अदब हो और ऐसे ही सिहबा कराम रदी अल्लाह तन की तोहन भी ना हो फ़र्ज़ है कि उनका अदब एहतराम हो और सुन्नत दोनों तरफ अदब ही के अलम्बरदार हैं इस वास्ते हमारे तरफ से मुकम्मल ये मुतालबा किया जाता रहा है और हमेशा हम इसके अलम्बरदार रहे हैं और आज इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये बिल जो है वो मंजूर हुआ है जिसकी वजह से अदब एहतराब के तकाज़े जो हैं वो पूरे होने में आसानी नज़र आएगी लेकिन दूसरी तरफ से जो रवाफिज़ हैं सिहाबा किराम रदी अल्लाह तुम की तोहन के बारे में आज तक यानी आज से कुछ अरसा पहले तक जब जबता अखलाक बनता रहा है मुख्तलफ़ सरकारी या सरकारी फोरम जो हैं उन पर मुहरम हराम में या दीगर, तो वो हमेशा ये कहते आए हैं कि हम तो ए, किसी ए, की तोहन का सोच भी नहीं सकते और तकिया करके हमेशा उन्होंने गुजारा किया लेकिन अब वो ऐलानियाँ अगरचे पहले इनफरादी तौर पर तोहने करते थे अब बहसी एक जमात के वो ऐलानियाँ तोहन का इकरार कर रहे हैं और तोहन कर रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल उन्होंने मुल्क के अंदर पैदा की है कि वो मुक़दस हस्तियाँ जिन ज़रिए पूरा कुरान उम्मत तक पहुँचा है और जिनके ज़रिए पूरी हदीस उम्मत तक पहुँची है उन पर तनकीद करना या उनको सब व शतम करना माजल्ला वो लोग अपना दीन बता रहे हैं इज्तमाही तौर पर जमाती तौर पर मुख्तलिफ इजलासों की सूरत के अंदर अगरचे इसमें फिर भी वो कुछ लोग ऐसे अलफ़ इस्तेमाल करते हैं जहाँ किसी को कुछ फ्राड दे सकें लेकिन समझने वाले समझते हैं कि वो किस स्टेशन से बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ़ जो है वो इस पे लगे हुए हैं कि क्यों तोहन से रोका जा रहा है और ये फिर का वारियत है और फिर यानी इतनी बक बक कर रहे हैं कि ए, कुछ लोगों को सहाबियत का जामा पहनवा के हमसे अदब करवाना चाहते हैं हमसे अदब नहीं होता यानी उन्हें अबू जाल उतबा शैबा और अबू लहब से अदावत का इतना शौक़ नहीं जितना इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों से अदावत का उनको शौक़ है ये उनकी बदबख्ती और शकावत है जिसकी तरफ कौम को इस वक़्त देखना चाहिए कि इन लोगों का बातिन क्या है ये अंदर से क्या है और फिर हमारे जो लोग उनके साथ मिल बैठते हैं और फिर वहदत की बातें करते हैं और इत्तेहाद की बातें करते हैं आज इनको भी अपने किए हुए पर नजरसानी करनी चाहिए और आइंदा के लिए तोबा करनी चाहिए अगर पहले इनको समझ नहीं आ रही थी हमारे समझाने के बावजूद तो अब तो इनको समझना चाहिए कि जो इनके साथ बैठ कर वाहदती उम्मत उम्मत वाहिदा इतिहाद उम्मत की बात करते हैं अब तो वो इनका लिहाज नहीं रख रहे कि इनका लिहाज रखते हुए वो सिहबा के अदब की बात जो है उस पर शोर न कम अज़ कम बचाते जो आइन बन गया है वो तो अपना सारा धंधा कर रहे हैं सहाबा अदवान की तज़ीम की तरफ नहीं आ रहे तो पता चला कि ये माज़ एक फ्राड है जिसमें हमारे लोग या तो जानबूझ के उनका आलाकार बने हुए हैं या फिर ना जानते हुए तो अब उनको जान लेना चाहिए कि असल में क्या सूरत हाल है